पाबंदियों की वजह से सप्लाई चेन के बिखरने और महंगाई के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इससे लोगों ने अगर इस रकम को सही से निवेश नहीं किया तो फिर ये रकम महंगाई के डेंट के सामने खुद ही कम हो जाएगी। हालांकि अभी महंगाई को लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। कोरोना के कारण जो एक पैनिक है और कोरोना के कारण ही जो इस समय अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन देश में है, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है महंगाई को बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ाने के लिए। और इसका असर भी दिख रहा है क्योंकि बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन ऑयल, बेसिक कमोडिटी आइटम्स 50-75% तक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इनके अंदर कोई भी नीचे आने की